हाँ जी, सीए इंटर ग्रुप टू वाले बच्चों का आखिरी पेपर आ चुका है और पेपर का नाम है एफएमएन इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, मैं आपके लिए लेके आया हूँ सुपर 40 की सीरीज। जैसा कि सारे बच्चे कह रहे हैं कि एनालिसिस वगैरह एक साइड, आप लेके आइए सुपर 40 की सीरीज, तो मैं आपके लिए वो भी लाया हूँ। वीडियो लेट आने का रीजन ये है कि इस बार मैं आपके लिए काफी सारी चीजें लेके आया हूँ, क्या करना है, कहां से करना है, और काफी सारी चीजें आपको फ्री में लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आपको बता देता हूँ जल्दी से, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको लिवरेज रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग और कैपिटल बजटिंग के स्पेशल क्वेश्चन, ये सब आपको लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, सारे क्वेश्चन लाइन से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे इन टॉपिक्स और इन चैप्टर्स का मैराथन डालूं, तो वीडियो को करिएगा लाइक। लाइक टारगेट मैं रखता हूं 150 प्लस का। जितनी जल्दी आप इसे अचीव करा देंगे, तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा एक मैराथन एफएम का। प्लस अगर आप बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स के लिए भी, हालांकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं इकोनॉमिक्स के लिए भी आपके लिए लेके आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, कि इतने क्वेश्चन याद करके चले जाइए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूंगा कि कैसे एक बच्चा जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है, और कैसे एक बच्चा जिसकी फुल फ्लेश तैयारी है वो किस तरीके से अपने स्कोर को 70-80 की रेंज में ले जा सकता है। सभी के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। वीडियो को लेट तक बनाने का कारण यही है कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारी चीजें। मई 18, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मई 18 से लेकर मेरे पास सारे एनालिसिस जो कि मई 2023 तक है। अपने पेपर की तैयारी शुरू करने से पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपको पूरा पूरा मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। जस्ट बिकॉज मैंने सुपर 30 की लिस्ट डाल दी है, इसका मतलब ये नहीं कि सुपर 40 निकाली और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस सुपर 40 की लिस्ट में मैंने किस किस तरीके से बनाई है और एबीसी की डिग्री क्या होता है, और मैं इसी वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं इकोनॉमिक्स के पेपर का भी एनालिसिस। जल्दी जल्दी मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके वीडियो में कम से कम समय लगे, आप भी वीडियो को 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं कम से कम अपना समय लगाने के लिए। इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए भी मैंने मई 18 से लेकर मई 23 तक, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा लगा था टाइम चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस तरीके से आपके पेपर के एनालिसिस में लेके आया हूं। आपको जल्दी से जल्दी वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं एफएम के पेपर का एनालिसिस क्या होता है, कि आप किस तरीके से पेपर को कर सकते हैं। मैंने बनाई है आपके लिए कैटेगरी एबीसी कैटेगरी। देखिए आप, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एबीसी एनालिसिस है। मैं आपको दिखा रहा हूं 5 ऐसे चैप्टर, टोटल चैप्टर आपके हैं 10 पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो टोटल चैप्टर्स हैं आपके वो है 10। मेरे कहने से अगर आप इन 5 चैप्टर्स को करके चले जाएंगे तो आपको 50+% का पेपर आपको दिख जाएगा। और मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूं आपको कि इन चैप्टर्स को कर जाइए, इन चैप्टर्स के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के और कंसेप्ट वाले मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एफएम के पेपर के अंदर, जैसा मैं ईएएसएम वगैरह से ऑडिट वगैरह में नहीं कर पाया था आपके लिए, एफएम में खुद पढ़ाता हूं, तो मैं आपको एक-एक वीडियो एक-एक चैप्टर प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर में शेयर कर देता हूं जिन बच्चों को अलग से चाहिए। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह बॉक्स में भी डाल दूंगा कि ये नंबर है, या फिर वीडियो ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे, और कल तो मैराथन आने ही वाला है। चैप्टर है आपके पास 5, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा? आंसर इज यस। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा? यस। और इन दोनों ही चैप्टर से आपको देखना 20+ मार्क्स के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से ही मिला के आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये दो चैप्टर एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक रीढ़ की हड्डी है। मान लीजिए ये नहीं आता तो पूरा पेपर छूट जाएगा आपका, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका वर्किंग कैपिटल एनालिसिस, लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन टोटल मिला के 5 चैप्टर्स को आप मेरे कहने से करके जाइए, और 50+ मतलब 60 नंबर का पेपर आता है। ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का पेपर मैं आपको यहीं से दिखा दूंगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर। और भी सारी चीजें आती है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे कि इसके अंदर आता है डेटर्स मैनेजमेंट भी, इसके अंदर आता है क्रेडिटर्स मैनेजमेंट भी, और इसके अंदर आता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी, जो ईओक्यू वगैरह है। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि यही आप करके जाना, मैं आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अभी जो इसी वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो होगा लिवरेज का चैप्टर, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग और कैपिटल बजटिंग, ताकि ये वाला आप जल्दी से ज्यादा सा मार्क्स जो है ग्रेस कर लो। मुझे जैसे ही वीडियो में मिलेंगे 150+ लाइक्स, जो कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप शेयर करें, एक्सप्रेसली तरीके से शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाइए। कैपिटल स्ट्रक्चर जो कि बड़ा मुश्किल चैप्टर होता है, मैंने अपने लिस्ट में सी कैटेगरी में इसको रखा है, अगर आप इसको करना, यानी डी कैटेगरी में मैंने इसको रखा है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करूंगा। एफएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी उसी की मैराथन के अंदर होगी। आर्बिट्रेज प्रोसेस, जो कि मैक्सिमम बच्चों का डाउट होता है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस जो है एक टेक्निकल चीज है। फिर डेटर्स मैनेजमेंट वन शॉट वीडियो होगी, उसकी एक वीडियो को देख के चले जाइएगा, एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। और नेक्स्ट है क्रेडिटर्स मैनेजमेंट, इन सभी टॉपिक्स को मैं कर दूंगा मर्ज, और नीचे लगा दूंगा एक टाइम स्टैम्प कि कौन सा टॉपिक आपको देखना है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कल।
या फिर आज रात को जितनी जल्दी ये 150 लाइक्स का जो टारगेट है वो पूरा हो जाता है। प्लस मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया कि इकोनॉमिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आपको ले लेकर आऊंगा लिस्ट, तो ध्यान रखिएगा ये वाली चीज आपको जरूर 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 पूरी करानी है। मैं आ जाता हूं वापस एबीसी एनालिसिस में। मैंने कहा पहले आप 5 चैप्टर उठाइए और तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। जो बच्चे इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहते हैं वो गलत सोच रख रहे हैं। पहले आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए। किसी भी टीचर से आप बात करिएगा, उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करिएगा, वो भी यही चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ज्यादा समय दें। फिर आते हैं नेक्स्ट बीके डिग्री के चैप्टर के लिए, जिसे बोलते हैं रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड। जिस भी बच्चे को जो भी चैप्टर चाहिए नंबर मैं यहां पर लिख देता हूं, उस नंबर पर आइए। अगर आप उसे पहले से रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प इस वाले चैप्टर में, क्योंकि ये इस वाले सब्जेक्ट में, क्योंकि ये है आखिरी चैप्टर। मैं चाहता हूं आपका पेपर जो है पॉजिटिव नोट पे खत्म हो, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने 3 चैप्टर यहां पर लिखे, रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड डिसीजन। चाहे कोई भी टॉपिक हो आप इसके अंदर, आप उससे ले सकते हैं। लास्ट कैटेगरी आई है हमारी कैटेगरी सी, एक स्कोप वाला चैप्टर है इसके अंदर और एक थ्योरी वाला चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 2 है, वो आप कर सकते हैं इसके अंदर, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग वगैरह जिसके अंदर आती है। तो आप इतने चैप्टर, थ्योरी भी हालांकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती है, मैंने आपके लिए ये दी है एबीसी कैटेगरी। ये मैंने उन बच्चों के लिए बात किया जिनकी तैयारी थोड़ी कम है। अब मैं उन बच्चों के लिए बात करता हूं जिनकी तैयारी जो है बहुत अच्छे लेवल की चल रही है। तो आप किस तरीके से तैयारी करेंगे जरा ध्यान से देखिए। ये मैंने लिखे हैं एफएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर आप चाहते हैं कि हर एक चैप्टर के अगर हमें कोई सिलेक्ट क्वेश्चन करके दे दे कि इस चैप्टर के इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको ये क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आईसीआई के स्टडीमेट से ही सॉल्व करने हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आप उठाइए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, टेक्निक्स हैं उसके अंदर, आईआरआर, एमआईआरआर, स्पेशल केसेस और इंपॉर्टेंट। टेक्निक्स का मतलब आप जानते होंगे, एनपीवी वगैरह सारी चीजें उसके अंदर आती है। तो इलस्ट्रेशन सामने लिखी है, प्रैक्टिकल सामने लिखे। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, उसी तरह मैं आपको उसका सॉल्यूशन जल्दी जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। आईआरआर, एमआईआरआर आपको पता होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मॉडिफाइड रिटर्न, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, हालांकि जल्दी नहीं आते हैं। स्पेशल केसेस के लिए इसकी सिर्फ 2 वीडियोस हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिल जाएगी कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने बड़े भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनाए हुए, लेकिन उसे सॉल्व करोगे तो बड़े इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। और जो अब मैंने मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो है ये लिस्ट, कि अगर आप एक भी बार पहले सॉल्व करके नहीं गए होंगे तो पेपर में आपको आ सकती है दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं लेवरेज में। लेवरेज के कंसेप्ट को अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आप 3 करके चले जाइए, 3 लेवरेजेस आपके कवर हो जाएंगे। और एग्जाम टाइप जो क्वेश्चन है वो है हमारे प्रैक्टिकल में, ये सब स्टडी मैट के क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ऐसी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी कई बार बच्चे समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए ही आएगा, लेकिन 5 नंबर में ऑपरेटिंग साइकिल भी आ सकता है। एस्टिमेशन हालांकि मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन, और जिस चैप्टर में रेशियो का यूज होकर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को निकाला जा सकता है। एक ही क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा शिफ्ट का है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं इन डिटेल स्टडी मैट से पढ़ चुके हैं, तो एक्स्ट्रा शिफ्ट का एक क्वेश्चन है जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है आपको, KDIRR मेथड से आपको निकालना है। वो तब आता होगा जब आप कैपिटल बजटिंग करके जा चुके होंगे। अमोर्टाइजेशन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव एनपीवी आता है, KE निकालना है आपको, KE में विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ निकालना है। और WACC और WMCC, जिन बच्चों को नहीं पता WMCC क्या होता है, टीचर्स ने बताया नहीं है। अगर आप एक ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर, मेरे पास 100 करोड़ का कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसको मैंने डेट इक्विटी प्रेफरेंस के रेशियो में बांटा हुआ है, उसका अगर मैं ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर निकालूंगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूंगा, तो उसे बोलते हैं KO, जिसे बोलते हैं WACC। अगर मान लीजिए मेरी फर्म को 50 करोड़ रुपीज की और जरूरत है, वो 50 करोड़ एडिशनल जो अमाउंट है वो कहां कहां से लिया जा सकता है, सिर्फ 50 करोड़ के लिए अगर ओवरऑल कैपिटल निकालूंगा तो वो हो जाएगा मेरा WMCC। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कई बच्चों को पता नहीं है। फिर आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे, मैंने दोबारा से यहां पर नंबर लिखा हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर अगर आपको चाहिए, चाहे वो आर्बिट्रेज प्रोसेस है, मैक्सिमम बच्चों का डाउट होता है। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने काफी बच्चों को तभी वीडियो बचाई थी कि आर्बिट्रेज प्रोसेस में सभी को दिक्कतें होती है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर आप एक वीडियो जो मैं पढ़ा दूंगा उससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाएंगे, इनकेस अगर एग्जाम में आएगा तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, ये चैलेंज वाली बात है। और उसके अंदर MM अप्रोच है, EBIT, EPS एनालिसिस है, जो कि आपको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर को किस किस तरीके से चेंज करके मैक्सिमम EPS वाला जो क्वेश्चन आता है। फिर आता है डेटर्स मैनेजमेंट। डेटर्स मैनेजमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बोला 150 प्लस लाइक्स होते ही एक क्वेश्चन, एक वीडियो है 1 घंटे से कम की है, लेकिन मैं पूरा कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उसके अंदर एग्जाम के क्वेश्चन भी होंगे, तो बड़ी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड। ये कई बार फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसका क्वेश्चन पाया गया है, स्टार मैंने मार्क कर दिया है। इररिलेवेंस थ्योरी, वाल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, लिटर मॉडल, इसके सामने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए, इतने क्वेश्चन कर जाइएगा आपसे एग्जाम का क्वेश्चन हो जाएगा। अदर्स में आते हैं चैप्टर, देखिए रेशियो छोड़ के मत जाइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है, मैं पहले ही बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में काफी बार रेशियो पूछा गया है। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैश मैनेजमेंट कैसे करते हैं ये आपको पता होगा, जो आपने बजटिंग पढ़ी होगी आपने ग्रुप 1 में कॉस्टिंग के अंदर, वहीं पर बजट बनाया जाता है कैश मैनेजमेंट का वो। और एक बॉमल मॉडल है, बॉमल मॉडल बिल्कुल आपके मटेरियल के EOQ जैसा है, वो एक बार क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा स्टडी मटेरियल से। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, EOQ ही है, क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। और मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स है, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स को क्रेडिटर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं,
जिसके लिए मैंने आपके लिए बताया ऑलरेडी कि ये वाली चीजें जो डेटर्स मैनेजमेंट है, क्रेडिटर्स मैनेजमेंट है, आर्बिट्रेज प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटल स्ट्रक्चर, सारे इंडिविजुअल चैप्टर है और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कल ही मैराथन में प्रोवाइड कर दूंगा जैसे मैंने आपको टारगेट बताया अगर आप इसे पूरा कर देते हैं। तो ये है आपकी इन डिटेल एनालिसिस। जो बच्चे चाहते हैं कि हम 60-70 प्लस स्कोर करेंगे तो वो कम से कम इतने क्वेश्चन करके जाएंगे, तब आप सुपर 40 को उठाइएगा एज अ प्रैक्टिस। ये है उन बच्चों के लिए। एफएम का एनालिसिस मैं आपको कैसे दिखा रहा हूं, जो पहला क्वेश्चन आएगा वो देखिए आप, चार पार्ट होते हैं इसके, कभी कैपिटल स्ट्रक्चर का रहा है, कभी लेवरेज का रहा है, कभी रेशियो का रहा है, फिर से कैपिटल स्ट्रक्चर का है। लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो बड़े चैप्टर है, रिस्क एनालिसिस, इससे 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा लेटेस्ट पेपर अगर आप देखना चाहें जो कि मई 2023 का है, तो देखिए रेशियो से क्वेश्चन आया, कैपिटल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आया और कैपिटल बजटिंग से आया, रिस्क एनालिसिस से ऊपर पूछ लिया गया। तो मेरा ऐसा अनुमान है नवंबर में रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग प्लस कैपिटल बजटिंग मिला के 20 प्लस मार्क्स का पेपर इस बार आने वाला है, जो कि मेरी प्रेडिक्शन है। और जनरली जो भी मैं प्रेडिक्शन बनाता हूं वो एज इट इज एग्जाम में आती है, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि इस बार भी आएगी, इसलिए मैंने उसको एक डिग्री में सबसे ऊपर रखा है। तो आई होप इसको आप फॉलो करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट मैंने आपको बता दी है, एबीसी एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है एफएम का, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बताना है, आपका पेपर है नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के पेपर के एनालिसिस ये आपके सामने है, मई 18 से शुरू है, बीच में कुछ पेपर इसके पर, लास्ट में 2023, काफी ज्यादा समय लग रहा था मुझे इसको बनाने में। और आपको पता ही है जैसे कि अभी चल रहा है आपका जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो सभी बिजी है, फिर भी समय निकाल के थोड़ा सा मैंने मेहनत की है इसके अंदर। चार चैप्टर इसके अंदर आते हैं आपके, अलग अलग यूनिट है इसके अंदर, चैप्टर की रिलेवेंस आप देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स में अगर आप बोलेंगे तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो कल ले आऊंगा, हालांकि मैंने एनालिसिस आपको निकाल के दे दिया है, आप चाहे तो खुद भी एनालिसिस करके देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर ज्यादा स्कोरिंग है। फिर भी अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक वाइज यूनिट वाइज हेल्प चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंदर कर रहा है कमेंट कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और 150 प्लस लाइक्स आपके हो जाने चाहिए, तब मैं आपको ये वाली वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूंगा। तो मैंने इकोनॉमिक्स का पेपर आपसे डिस्कस कर लिया, एबीसी एनालिसिस मैंने आपको डिस्कस कर लिया, एफएम पेपर का पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया, और ये रही हमारी सुपर 40 की लिस्ट। इसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं फिर से नंबर यहां पर शेयर कर रहा हूं, 9993999446। सभी बच्चों को मैं बताता हूं कि ये काफी हेल्पफुल है आपके लिए एग्जाम के समय पे। व्हाट्सअप करना है आपको, जिन बच्चों को लेक्चर्स चाहिए तो वो अपना, जिनका अटेम्प्ट नहीं है, जो सिर्फ लेक्चर्स खरीदने के लिए क्वेरी कर रहे हैं, तो वो आप अपने ऊपर ही मैसेज में लिख दीजिएगा कि बाइंग लेक्चर्स क्वेरी, मतलब इस तरीके से टॉपिक डाल दीजिएगा मैसेज का, ताकि मैं जिनका एग्जाम है उनको पहले डील कर सकूं, और समय मिलेगा तो मैं आपको जरूर जरूर डील करूंगा। तो आपको 9993999446 पे व्हाट्सअप करना है, अगले 2 दिन में कोशिश करूंगा जिनका एग्जाम है ज्यादा से ज्यादा बच्चों से डील कर सकूं। यहां पर वीडियो को आपको करना है 150 प्लस लाइक, यहां तक अगर आप आ गए हैं तो 150 प्लस लाइक्स आपको वीडियो के अंदर करने हैं। कौन सा टॉपिक चाहिए उसके लिए आपको कमेंट करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे पता चलना चाहिए कि ज्यादातर मेजोरिटी बच्चे इसको कर रहे हैं डिमांड कि हम नेक्स्ट जो मैराथन में आपसे बोल रहा हूं कि वो आपको मैराथन भी चाहिए एफएम का, तो मैं जल्दी से जल्दी बताऊंगा उसको। प्लस अगर आपको चाहिए इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, इकोनॉमिक्स की लिस्ट अगर आपको चाहिए, दोनों चीजें अगर आपको चाहिए तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको एडिशनल चाहिए जो मैं यहां पर लिखना भूल गया हूं या फिर मैंने मेंशन नहीं किए हैं। ये है मेरी तरफ से एनालिसिस, और जल्दी से मैंने आपको बता दिया इसकी एबीसी की डिग्री। जो भी आपको हेल्प चाहिए नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ काफी सारे बच्चों तक ये चीज पहुंच रही है और काफी सारे बच्चों की हेल्प भी हो रही है। तो आप लग जाइए पेपर में, जो भी हेल्प चाहिए वो नंबर है। कल आपको मिल रही होंगी 2 वीडियो, एफएम का मैराथन और इकोनॉमिक्स की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है। आई होप आपकी तैयारी में अभी तक जो ग्रुप 1 से हम वीडियोस बना रहे हैं वो काफी हेल्प हो रही होगी। कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा ताकि हम आगे आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए बच्चों के लिए चीजें लाते रहे, चाहे वो आगे फाउंडेशन के एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो सीएमए के एग्जाम्स आ रहे हैं, या वो सीए के मेन अटेम्प्ट वाले एग्जाम्स होंगे, तो हमें पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच रही है। तो आप कर दीजिए अब तैयारी शुरू, बिल्कुल भी रेस्ट मत करिएगा। जो हेल्प चाहिए उसके लिए मैं हूं आपके लिए अगले 2 दिन तक। आपको जो भी मैसेज करेंगे रिस्पॉन्स 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, रिस्पॉन्स के साथ साथ आपको सॉल्यूशन, आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको हर एक चीज का मिल जाएगा। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं। अब लग जाइए तैयारी में। ऑल द वेरी बेस्ट।